तो दोस्तों, जैसे बताया था मैंने आपको कि मैं आज मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी ब्लॉक में जा रहा हूँ, तो ये मेरा एंट्रेंस है, देख लो मैं अंदर घुस रहा हूँ। ये स्टेयर्स, तो लाइब्रेरी ब्लॉक। लाइब्रेरी एडमिन ऑफिस, सेंट्रल रिसर्च लैब, टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट, लिफ्ट बंद है, अभी ऊपर चल रहे हैं हम लोग। सीसीटीवी, सेंट्रल एसी, सेंट्रल एसी, तो हम लोगों को फिफ्थ फ्लोर पे जाना है, फिफ्थ फ्लोर पे आ चुके हैं। वहां से शुरुआत हुई थी हमारी। चले आए हम जहां पहुंचना था। ये काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, देख लो आप अभी। ऑफिस, कंप्यूटर नर्सरिंग लैब, काम चल रहा है। सेंट्रल एसी, हाईटेक है, बहुत हाईटेक है। यहां से नजारा देखो आप लोग, कॉलेज हॉस्टल, वो व्हाइट वाली बिल्डिंग देख रहे हो, वो इंजीनियरिंग कॉलेज है। और ये देख रहे हो, क्षेत्र बॉस, हरियाली के दर्शन। ये पूरा जो है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये पूरा जो है क्षेत्र अब ऐसे डेवलपमेंट होने वाला है मेरे ख्याल से, जो पिछले कई सौ सालों से नहीं हुआ और बहुत पुराने टाइम से नहीं हुआ। तो जो बेचारे चले गए, जो लोग थे, उनको तो अब मेरे ख्याल से याद भी नहीं होगा। याद क्या, वो चले गए बेचारे, उनको अब क्या पता उनको। लेकिन हम जो नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, तो उस सब के लिए एक अपडेट, हमारे लिए एक अपडेट चालू है। BOG लैब है, ये भी लैब है, लैब ब्लॉक में आए अभी हम लोग। ये सब बंद है अभी गेट।
तो यहाँ पे तो बंद हो गया है। ये हॉस्टल का कैंपस है, कैंपस, और ये पीछे का रास्ता है और कॉलेज ब्लॉक है वो 2, एडमिन ब्लॉक, कॉलेज ब्लॉक 1, ये पूरा बनाया हुआ है। देख रहे हो दोस्तों, तो दोस्तों ब्लॉक के दर्शन आप लोगों को लाइब्रेरी ब्लॉक के दर्शन मैं कराता हूँ। एंट्रेंस है और 2 रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए। 5th फ्लोर पे मैं अभी हूँ और मैं यहाँ पे जिसके थ्रू आया हूँ उनसे मिलवाता हूँ, क्या करते हैं वो लोग और कैसे रहते हैं, मतलब पूरा दिन कैसे निकालते हैं और क्या करते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। बार बार हैं तो इनसे बात करते हैं। कह रहा हूँ साथ सेंट्रल एसी। तो दोस्तों फाइनली मैं जो है लाइब्रेरी ब्लॉक के टॉप बिल्डिंग पे हूँ, मेरे पीछे देख लीजिए आप, और देख रहे हैं देख रहे हैं। तो ये बड़ी एसी है। तो मैं जैसे जिनके थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ इस लाइब्रेरी ब्लॉग में, तो उनसे बात करता हूँ। वो यहाँ के लोकल हैं, ज़्यादा दूर घर नहीं है उनका और ये मतलब इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो उनसे चलिए बात करते हैं, उनसे पूछता हूँ कि जब ये मतलब हॉस्पिटल पूरा, अभी तो काम शुरू है थोड़ा बहुत, लेकिन जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, तो यहाँ के क्षेत्र में और यहाँ के जो मतलब अगल बगल के ज़िले हैं आसपास के, और कितना प्रभाव पड़ने वाला है मतलब इसके जरिए, इस हॉस्पिटल के जरिए। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार यादव। कुंदन कुमार, तो मतलब आप यहाँ क्या करते हैं? हम फर्नीचर का काम करते हैं, जैसे टेबल, डेस्क और लैब का काम करते हैं, लैब लगाते हैं। अच्छा, आप सेटिंग वगैरह करते हैं? हाँ, रिसर्च लैब है और सब लैब है, जैसे जिसमें विद्यार्थी अपना रिसर्च करेगा, लाश को जांच करेगा, सिर पार करेगा, बनाए हैं वो C1 C2 में है, College 1 College 2 में, और यहाँ भी है लैब, लाइब्रेरी में भी। अच्छा, और हम लोग टेबल कुर्सी और डॉक्टर को बैठने वाला है, मतलब आपको पूरा फर्नीचर का वर्क मिला हुआ है यहाँ करने के लिए, फर्नीचर और लैब का। तो मतलब आप यहाँ से, आपका घर कितने दूर पड़ जाता है? मेरा घर यहाँ से 7 किलोमीटर पड़ता है। 7 किलोमीटर। आप डेली अप डाउन करते हैं? डेली अप डाउन करते हैं। तो जैसे कि मतलब आप यहाँ के लोकल हुए, ये डिस्ट्रिक्ट आपके ही जोन में आता है, आपके घर होम टाउन में आता है? जी हाँ, मधेपुरा। हाँ,
तो मैं जैसे ये देख रहा हूँ, हॉस्पिटल जब पूरा सुचारू रूप से तैयार हो जाएगा तो यहाँ के लोगों को और यहाँ के अगल बगल क्षेत्र में, ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में, और क्या सुविधा, मतलब आपके अनुभव से क्या सुविधा मिलने वाली है? हम लोग को बहुत सुविधा मिलने वाली है, अभी कुछ मिल भी रहा है। कुछ मिल भी रहा है? हाँ। मतलब जब अभी प्रॉपर वे में हॉस्पिटल तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में काम चालू है? हाँ, दवाई दारू सब चालू है। चालू है? हाँ। तो आप यहाँ क्या करने आते हैं, मतलब काम करने आते हैं? हाँ, काम करने आते हैं, फर्नीचर का। फर्नीचर का काम बचा हुआ कुछ? अच्छा, जैसे आपको हॉस्पिटल का काम ओके है। हाँ। अभी लाइब्रेरी का काम कुछ बचा है, बचा हुआ है। हाँ, लाइब्रेरी का हो रहा है, कुछ हॉस्टल में जो रहेगा स्टूडेंट सब। हाँ। मेडिकल का तैयारी करने वाला और पढ़ने वाला। हाँ। वो सब तैयार हो रहा है, और कॉलेज में जो पढ़ेंगे। हाँ। उसमें लैब का काम कुछ बच गया, कुछ थोड़ा बहुत बच गया है। तो मैं C1 कॉलेज 1 तो तैयार है, कॉलेज 2 में कुछ काम बचा था। कॉलेज 2 में कुछ काम बचा हुआ था। चलिए, ये तो हुई मतलब एक बात। तो मैं एक चीज और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे इस मतलब इस एरिया में मेरे ख्याल से इस लेवल का हॉस्पिटल तो मेरे ख्याल से कभी पहले ना तो था ना रहा होगा। अब मतलब अब जो हॉस्पिटल है, तो मतलब आपको ये क्या लगता है कि आप किस इस क्षेत्र को आगे आने वाले टाइम में आप इस क्षेत्र को किस रूप से देखना चाहते हैं? इस क्षेत्र जो है मधेपुरा जिला नंबर 1 स्थान पाएगा। आएगा नंबर 1 स्थान पे? हाँ, अगर पूरा सुचारू रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाए, यहाँ तो हर एक तरह की व्यवस्था हो जाएगा। तो मैंने जैसे यहाँ देखा, आगे इंजीनियरिंग कॉलेज है, आगे यूनिवर्सिटी है, और सुना है यहाँ पे एयरपोर्ट और पुलिस लाइन सब और स्टेडियम वगैरह आने वाले हैं। तो इस हिसाब से तो मैं ये सोचता हूँ कि इस क्षेत्र का पूरा संपूर्ण विकास हो जाएगा। पूरा विकास हो जाएगा और अशिक्षा की दर घट जाएगी। हाँ, बिल्कुल घट जाएगी। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, तो अब जो है ये मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, और यहाँ की गवर्नमेंट प्रॉपर वे में काम करे तो हम लोगों को, जैसे हम लोग यहाँ से विस्थापित होके बाहर जाके रहना पड़ता था, तो हम लोगों को अब विस्थापित होके बाहर जाना नहीं पड़ेगा। हम लोगों को अपने होम टाउन में, अपने फैसिलिटी में और बहुत सारी सुख सुविधाएँ मिलेंगी। बस एक कमी एक चीज़ की रहेगी, आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे बेरोजगारी अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो इस चीज़ के लिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ के MP, MLA जो भी कार्यक्षेत्र नेता हैं, जो भी हैं, उनसे मतलब मैं एक बार आवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि इस क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, पूरे बिहार पे ध्यान दीजिए, और यहाँ के जो प्रवासी मजदूर हैं, जैसे COVID-19 से बहुत ज़्यादा चपेट में आया है। तो दोस्तों, ये सब पर्पस है, रीज़न है। तो मैं यहाँ पे जैसे देख रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे नर्स वगैरह, गार्ड वगैरह, इनकी भर्ती हुई है। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में तो इनसे बात करूँगा। मेरे ख्याल से मुझे पता चला है कुछ कि मतलब बिहार में घुसखोरी ज़्यादा चलती है। तो मतलब जागो यार, अब तो 2020 है, जागो मेरे दोस्तों, जागने का टाइम आ गया, अब सोने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है अपना इंडिया, अपना बिहार, फिर भी तुम सब सोए हो, सो मत मेरे दोस्तों, जागो। अपडेट वर्जन, जय हिंद।